एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में जनपद के कानून व्यवस्था की समीक्षा पुलिस लाइन के सभागार में किया गया। बैठक में एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे, एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे, सीओ कैंट प्रभात राय, सीओ कोतवाली बीपी सिंह, सीओ चौरी चौरा सुमित शुक्ल, महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह सहित अन्य अधिकारी और प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने जिले में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। एसएसपी ने कहा कि महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, स्कूलों कॉलेजों के पास एंटी रोमियो अभियान चलाकर शोधों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, थानों पर अपराधियों पर शिकंजा कसा जाए जिसमें अपराध पर लगाम लगाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया। जब मैं लाल कलम से फास्ट ट्रैक लिख रहा हूँ, तीन दिन में स्टार्ट के लिए बाकी आईपीआरएस में जो गंभीर प्रकरण है वो इसी में हम कवर कर देते हैं। हर थाने का एंटी रोमियो स्क्वाड का सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग चल रही है, ये प्राथमिकता है शासन की भी। सचाला हैरानी की बात है कि परसों सीएम साहब ने इस पर 15 मिनट लेक्चर दिया कि थाने में लड़कियों को बुलाया जाए, थाने वाले लड़कियों के पास जाएं, लड़कियों के कॉलेजेस में जाइए, आउटरीच बढ़ाइए, जो हम आपको नाम शॉर्ट में कहते हैं ऑपरेशन पाठशाला। उन्होंने 15 मिनट बोला कि अब पुलिस और बच्चों के बीच में स्कूल खुलने वाले हैं, उसकी तैयारी कर लीजिए, 6-4 इलाकों की उन लोगों का सर्वे, कितने स्कूल हैं उस और ऑपरेट, और ये टोटल नोडल अफसर जो आपका अवतार है वो करेगा, फिकर दीजिए इस काम के लिए रोमियो के लिए, और रोमियो वाले से ही आप पाठशाला चलवा लीजिए। आपके एरिए के स्कूलों की गिनती हो, उसमें कितने काम करने वाले फोर्थ क्लास एम्प्लॉई हैं, कितने वो टेम्पो वाले हैं, कितने बस वाले कंडक्टर हैं, पूरी निगाह रख सकते हैं, ये सर्विस करवाइए। हिस्ट्री सीटर नहीं करूँगा, डेली भेजूंगा। हिस्ट्री सीटर अगर मर्डर कर जाए तो सुबह दोपहर शाम वो हाजिरी करेगा, या तो आपका बच्चा करेगा या वो करेगा, दिन में 2 बार करता है तो तुम्हारा हूँ। उस नए मसले जो सीएम साहब ने और अभी शासन की प्रायिकता में आए हैं, जी नॉर्थ जोन की मीटिंग थी जिसमें 8 थाने की कार्य प्रणाली और उस पर चर्चा की गई और अपराध नियंत्रण के मुद्दों पर चर्चा की गई, इनका रिकॉर्ड देखा गया और इनके जो भी इनके किस किस किस्म के अपराध हैं, कैसे नियंत्रण पाया जाए, उस पॉलिसीज़ जो बनाई हैं उस पर चर्चा हुई और सभी सीओस को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कमांड कंट्रोल बढ़ाएँ, महिलाओं संबंधी अपराध और संवेदनशीलता बढ़ाएँ और जो विजिबल अपराध हैं उनको कंट्रोल करें, यातायात व्यवस्था सुगम करें। तो जो मुख्य एजेंडा बिंदु हैं हमारे सरकार के और डिपार्टमेंट के, उनको बार बार बता करके और उस पर इनका रिव्यू लिया गया, किसने परफॉर्मेंस ठीक करी, किसने ख़राब करी, उसको जांचा गया है और हमें उम्मीद है कि नॉर्थ जोन की जो पुलिस है हमारी वो और बेहतर काम करेगी। जी एंटी रोमियो के लिए आपको पता ही है कि हर महीने हमारे गोरखपुर में तो हम मीटिंग रखते ही रखते हैं और इस बार भी हमने अभी पिछले हफ्ते भी मीटिंग करी थी एंटी रोमियो की और अभी सभी थानेदारों को भी बताया गया है कि एंटी रोमियो में किस किस तरह की एक्टिविटी करनी है। सभी स्कूल कॉलेजों के प्रबंधकों से, प्रिंसिपल से बातचीत करके थानों में भी बच्चे आएँ और बच्चों के पास भी पुलिस जाए और उनको सिखाए समझाए और किसी भी किस्म से कोई इसमें ये ना होने पाए कि कोई छेड़खानी या कोई इस तरह की वारदात है जो पुलिस से छुपी रह जाए और हम उसमें कड़े से कड़े शोधों के खिलाफ कड़े से कड़े कार्रवाई कर सकें ऑफेंडर्स के खिलाफ, यही इसमें डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं। सर कुछ शिकायत पेट का भी लगा नहीं पाते? जी बिल्कुल, कुछ जगहों पर होता है बच्चे हमारे पास नहीं आते हैं, बच्चियाँ हमारे पास समाज के डर से नहीं आती हैं, तो शिकायत पेटिकाओं की लगाने की बात भी हम लोगों ने बताई है कि स्कूलों से बात करके वहाँ लगाएं शिकायत पेटिका, जिससे कि हमें पता चल सके कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना नाम नहीं बताना चाहते और बताना चाहते हैं कि फलाने गली से फलानी जगह से हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें जो है ये छेड़खानी की संभावना रहती है और वो अपना नाम नहीं बताना चाहते, तो ऐसी सूचनाएँ पाने के लिए ये शिकायत पेटिकाओं की भी व्यवस्था की जाए। सर कुछ आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए जाएंगे बच्चों में? जी अगले चरण में ये भी हम कोशिश करेंगे, हम एनजीओस के साथ मिलके या पीएसी या किसी और संस्था के साथ मिलके जब स्कूल खुलेंगे तो जो प्रोमिनेंट इलाके हैं जहाँ महिलाएं या जहाँ बच्चियों के स्कूल हैं उन्हें स्कूलों में जाकर के हम ये प्रयास भी करेंगे जिससे उनके अंडर जो है भावना बढ़े और एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।